तो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी OSI मॉडल के बारे में, है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो आज हम बात कर लेते हैं पिंग के बारे में। पिंग का फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, और एक ये मेरे पास यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ वायर से, ठीक। तो ये वाला जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसको मैं एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ये जो आईपी एड्रेस है इसका, लेट से 10.1.1.1 है, और इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेसेस हैं कंप्यूटर के, और कंप्यूटर को साथ साथ में मैक मैक एड्रेस भी दे देता हूँ। तो लेट से मैंने एक एग्जांपल के लिए इसको मैक एड्रेस दे दिया 0A, और इसको मैक एड्रेस में दे देता हूँ 0B, ठीक है। तो ये मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, और इन दोनों कंप्यूटर्स को मैंने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दिए हुए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, लेट से हमें ये देखना है कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम कौन सी टूल का यूज़ करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिंग टूल का या पिंग यूटिलिटी का, ठीक है। तो हम पिंग करके देखते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले इसमें एक तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि इट इज यूज्ड टू चेक दी कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो इट इज़ नॉट लाइक कि ये हमारे पास सिर्फ एक दो कंप्यूटर्स के बीच में ही हमारी भी कनेक्टिविटी चेक होगी, ये हमारा होगा तो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में भी आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। आप स्विच के दो स्विचेज हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी हो, एक कंप्यूटर एक स्विच के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी हो, एक कंप्यूटर एक राउटर के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी हो, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं हम इट वर्क्स ऑन लेयर 3, ठीक है। ये जो हमारे पास जो ये पिंग यूटिलिटी है, ये कौन सी लेयर पे वर्क करती है, लेयर 3 पे वर्क करती है ना। लेयर 3 यानी हमारी नेटवर्क लेयर। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं, इट यूजेस ICMP प्रोटोकॉल चेक दी कनेक्टिविटी, ठीक है। जो हमारे पास जो ये पिंग यूटिलिटी है, अब देखो जो पिंग यूटिलिटी है बेसिकली वो हमारी कनेक्टिविटी चेक कर रही है ऑटोमेटिकली, हमको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ टाइप करते हैं पिंग और आईपी एड्रेस, और हम पिंग कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, हम देख सकते हैं कि रीचेबल है या नहीं है। अब जो भी काम ऑटोमेटिक होता है वो क्यों हो पाता है, क्योंकि जो यूटिलिटी है पिंग यूटिलिटी है वो किसका यूज़ कर रही है, एक प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही है जिसका नाम है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो हमको जैसे कि अगर पिंग करना है तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ करके। जैसे मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया पिंग 10.1.1.1 और 2। देखो अभी यहाँ पर पिंग मैंने लिखा और यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है यहाँ पे, है ना। या मैं कोई भी अलग आईपी टाइप कर देता हूँ, लेट से मैंने लिख दिया 192.168.1.3, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है।
तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मैंने पिंग लिखा, पिंग क्या एक टाइप की यूटिलिटी है, और मैंने सामने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिख दिया 192.168.1.3, कोई भी डेस्टिनेशन आईपी जो मुझे पता हो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक रीच कर पाता तो मुझे रिप्लाई मिलता है यहाँ से, लेकिन अभी फिलहाल मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। फाइन, तो पिंग बेसिकली किसका यूज कर रहा है, हमारे कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। अब ये काम कैसे करता है, देखो होता क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, यहाँ से पिंग रिक्वेस्ट भेजोगे कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पर, और आपको फिर क्या मिलेगा, पिंग रिप्लाई मिलना चाहिए कंप्यूटर बी से। अगर रीचेबल है तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा डिटेल में अब समझते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी इजीली समझ में आ जाएंगी। तो देखो, अब सबसे पहले कंप्यूटर ए पर हैं हम, है ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, मैंने बोला आपको जो पिंग होता है वो कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पर काम करता है, ठीक है? लेयर 3 पर अब पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो सबसे पहले आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एक इको रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? ठीक है, पिंग रिक्वेस्ट को क्या बोलता हूँ मैं, इको रिक्वेस्ट, ठीक है? इको रिक्वेस्ट आएगी, तो ये क्या है हमारी, लेट से इको रिक्वेस्ट, ठीक है? इको रिक्वेस्ट आएगी, और इसमें जो टाइप फील्ड होगी हमारे पास, जो हमारे पास टाइप फील्ड होगी, इसमें एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा एक अलग से सेक्शन बना देता हूँ। तो इस आईसीएमपी मैसेज के अंदर एक होती है हमारे पास टाइप फील्ड, और टाइप फील्ड के अंदर हमारे पास क्या लिखा होगा, यहाँ पे टाइप फील्ड होगी हमारी, उसके अंदर लिखा होगा जीरो। तो जीरो जब भी टाइप फील्ड के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज है। कौन सा मैसेज है, रिक्वेस्ट मैसेज है। तो जब भी हमारे पास टाइप फील्ड में यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट मैसेज है, ठीक है? ठीक है, पिंग रिक्वेस्ट है एक टाइप से, आप ये बोल सकते हो, ठीक है? अब सबसे पहले इको रिक्वेस्ट जनरेट हुई लेयर 3 पर, किसने जनरेट करी, आईसीएमपी ने। आपने जैसे ही पिंग लिखा, आपने सिर्फ इतना लिखा पिंग 10.1.1.2, उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, लेयर 3 पे आईसीएमपी पिंग क्या करेगा, इको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और टाइप कोड लगा के भेजेगा जीरो। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये किस पे जाएगी, लेयर 3 पे ही, कौन से प्रोटोकॉल के पास चली जाएगी, ये चली जाएगी आईपी प्रोटोकॉल के पास, ठीक है? अब आईपी प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे मैं वैसे कैसे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरे पास, इको रिक्वेस्ट, ठीक है? ये इको रिक्वेस्ट तो रहेगी रहेगी। अब साथ में ये ऊपर से उतरी है ना, कंफ्यूज मत होना आप, ये पूरा का पूरा ऊपर से उतरा है, तो ये इको रिक्वेस्ट है। साथ में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो आईपी है हमारे पास, आईपी प्रोटोकॉल है, वो अपना हेडर लगाएगा। अब अपने हेडर में आईपी प्रोटोकॉल क्या लिखेगा, सोर्स आईपी एड्रेस लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेगा वो 10.1.1.1, ठीक है? डेस्टिनेशन आईपी लिखेगा 10.1.1.2, ठीक है? उसके बाद क्या आता है हमारे पास, हमने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर मतलब कौन से प्रोटोकॉल से मुझे रिसीव हुआ है। अब देखो यहाँ पे मुझे लेयर 3 पर ही आईपी प्रोटोकॉल पर रिसीव हुआ, किसने भेजा है मुझे, ये आईसीएमपी ने भेजा है। अगर आईसीएमपी ने भेजा है तो प्रोटोकॉल नंबर मैं कौन सा यूज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर आएगा मेरा 1, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक और फील्ड होती है जिसको मैं बोलता हूँ टीटीएल। क्या बोलता हूँ, टीटीएल। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव, ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 128। अब देखो टीटीएल क्या होता है ना, टाइम टू लिव, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये जो टीटीएल की वैल्यू है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ विंडोज़ के कंप्यूटर की, तो विंडोज़ के कंप्यूटर में हमारे पास जो टीटीएल वैल्यू होती है वो होती है 128, है ना? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लाइनेक्स की मशीन की, तो लाइनेक्स की मशीन पे जो टीटीएल की वैल्यू होती है वो होती है 64, ठीक है? अगर आप एप्पल की मशीन पे हो, ठीक है, तो एप्पल पे भी हमारे पास टीटीएल की वैल्यू होती है 64, ठीक है? और अगर आप सिस्को आईओएस चला रहे हो, यानी राउटर पे हो अगर आप,
ठीक है, राउटर से अगर आप पिंग करते हो किसी भी डिवाइस को तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 255। ठीक है, अब ये क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि लेयर थ्री पे मैंने हेडर लगा दिया आईपी हेडर, उसमें मैंने सोर्स आईपी दे दिया 10.1, डेस्टिनेशन आईपी दे दिया 10.2। प्रोटोकॉल नंबर 1 क्यों लिखा, क्योंकि आईसीएमपी से मुझे पैकेट मिल रहा है या आईसीएमपी से मुझे रिक्वेस्ट मिल रही है ना। और टीटीएल वैल्यू मैंने लगा दी 128। अभी ये काम किस पे हो रहा है, सिर्फ टोटल ये काम हो रहा है हमारा किस पे, लेयर थ्री के ऊपर। अभी लेयर टू पे मैं गया नहीं हूँ। अब ये जो आईपी प्रोटोकॉल है, ये जो पैकेट है, इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगा, पैकेट। ये पूरा क्या है मेरा पैकेट, ये पूरा क्या है पैकेट। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा होगा, ये पूरा मेरा जो होगा ये क्या होगा, पैकेट है ना। अब देखो, अब आईपी प्रोटोकॉल से आईपी लेयर थ्री से अब ये कहां पे जाएगा, लेयर टू पे। अब लेयर टू पे आईपी किसको हैंडओवर करेगा, ये पैकेट, ये पैकेट हैंडओवर करेगा आरपा को। किसको हैंडओवर करेगा, आरपा को। अब आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, अब मैं इसको पैकेट लिख दूं, ये पैकेट मेरे पास यहां आ गया है ना, ये पैकेट मेरे पास यहां पे आ गया। अब आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपना हेडर लगाएगा। अब आरपा प्रोटोकॉल अपना हेडर लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा वो, लेयर टू पे जो हेडर लगाएगा उसमें सबसे पहले लिखेगा सोर्स मैक, ठीक है। सोर्स मैक क्या है मेरा, सोर्स मैक है यहाँ पे 0A, ठीक है। तो देखो ये कैसे पता चला सोर्स मैक 0A है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास ये जो कंप्यूटर ए होते हैं इसमें भी एक टेबल बनती है, और कंप्यूटर बी होता है इसमें भी एक टेबल बनती है, ठीक है। तो जब कंप्यूटर ए पे जो टेबल बनेगी यहाँ पे, ये कौन सी टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, आर्प टेबल की, आर्प टेबल। यहाँ पे भी क्या है मेरी, आर्प टेबल है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर ए जैसे यहाँ पे है 10.1.1.1, ये इसका खुद का आईपी है और इसको खुद का मैक एड्रेस पता है, इसके अंदर एंट्री होगी 0A। ऐसे यहाँ पे भी कंप्यूटर बी का खुद का आईपी क्या है, 10.1.1.2, और इसका मैक एड्रेस क्या है, 0B, ठीक है। तो अब देखो सोर्स मैक तो मुझे पता है 0A, डेस्टिनेशन मैक, अभी मुझे डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है। देखो जब भी हम पिंग करते हैं, मैं तो पिंग किसको कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस को। मैंने अभी आपके सामने लिखा था पिंग है ना, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ पिंग 10.1.1.2, और मैंने एंटर मार दिया। अब मैंने जैसे ही एंटर मारा था तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई, लेकिन अब इस टाइम पे मुझे सिर्फ जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस पता है, उसका मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है। तो अब यहाँ पे मुझे मैक एड्रेस तो मुझे पता नहीं है मेरी, मैं क्या अपनी आर्प टेबल पे चेक करूंगा क्या मैक एड्रेस है यहाँ पे 10.1.1.2 का, नहीं है। तो अभी फिलहाल मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है यहाँ पे। और जो मेरे पास टाइप फील्ड आएगी यहाँ पे, टाइप फील्ड कौन सी आएगी यहाँ पे मेरे पास, टाइप फील्ड आएगी मेरे को, ये जो पैकेट है किससे रिसीव हुआ है, ये पैकेट रिसीव हुआ है मुझे 0x0800, यानी ये पैकेट मुझे रिसीव हुआ है आईपी आईपी प्रोटोकॉल से, लेयर थ्री पर जो आईपी प्रोटोकॉल है उससे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे टाइप फील्ड मैंने ये लिख दी। लेकिन अभी ये जो पूरी फ्रेम है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ एक्चुअल में, क्या बोलता हूँ फ्रेम, क्या बोलता हूँ फ्रेम। तो अभी ये जो फ्रेम है ना, ये कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये कंप्यूटर होगा ये इस प्रोसेस को होल्ड पे डाल देगा, होल्ड दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस अभी किस में चली जाएगी, होल्ड पे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी मुझे मैक एड्रेस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले यहाँ पर हम आरपा प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस यहाँ पे होल्ड हो गई। अब देखो अब मैं काम करता हूँ इसको, अब जो आरपा प्रोटोकॉल है, ठीक है, आरपा प्रोटोकॉल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक जो आरपा प्रोटोकॉल है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा किसको, आरपा प्रोटोकॉल को। तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, आरपा प्रोटोकॉल गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर प्रोटोकॉल फॉर मैक एड्रेस,
फॉर मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस तो मुझे पता नहीं है, तो आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा किसको, आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा का फुल फॉर्म होता है हमारे पास एड्रेस, एड्रेस रिजोल्यूशन, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। तो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, ये जो प्रोटोकॉल है ये हम यूज करेंगे किसके लिए, मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो अभी यहां पर तो ये प्रोसेस होल्ड पे चली गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर लेयर टू पे ही, ठीक है, लेयर टू पे ही आर्प प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, आर्प रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आर्प रिक्वेस्ट जब जनरेट करेगा तो उसमें क्या लिखेगा, सोर्स आईपी एड्रेस लिखेगा 10.1.1.1, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी कितना है, 10.1.1.2, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, 10.1.1.1 हमारा सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है 10.1.1.2। अब आर्प क्या करेगा, अपना खुद का एक हेडर लगाएगा। अब आर्प का भी अपना हेडर होगा, तो यहां पे मैं क्या करता हूँ, आर्प का एक हेडर लगा देता हूँ, आर्प का एक हेडर लगा देता हूँ। अब आर्प के अंदर सोर्स मैक एड्रेस आएगा, सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस लग के जाएगा कितना, 0A, ये तो मुझे पता ही है। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है, और इसी के लिए तो हमने आर्प प्रोटोकॉल को बुलाया है कि वो पता लगाए। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फिलहाल के लिए यहाँ पे कितना आएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे लिखा आ जाएगा मेरे पास 0, ऑल जीरोज, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ जाएगा ऑल जीरोज, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टाइप फील्ड आएगी। तो टाइप फील्ड के अंदर क्या आएगा, देखो अब ये प्रोटोकॉल मुझे किसने दिया है, ये प्रोटोकॉल जो मुझे प्रोवाइड करवाया है, ये प्रोटोकॉल मुझे किसने, सॉरी टाइप फील्ड नहीं आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टाइप फील्ड की जगह आएगा ऑप कोड, गलत बोल गया मैं, टाइप फील्ड की जगह यहाँ पे आएगा ऑप कोड, ठीक है। तो ऑप कोड कौन सा आएगा, ऑप कोड आएगा यहाँ पे कितना, 1। ऑप कोड 1 का मतलब ये क्या है, मेरे पास आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है। ये कौन सा मैसेज है, आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है, ठीक है। अभी देखो अभी ये प्रोसेस होल्ड पे ही है ऊपर वाली, है ना। क्या हुआ, वापस से मैं बता देता हूँ आपको, आरपा प्रोटोकॉल तक मैं गया था, यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता, तो आरपा प्रोटोकॉल ने क्या किया, एक आर्प प्रोटोकॉल की मदद लेना शुरू करी। आरपा प्रोटोकॉल ने आर्प प्रोटोकॉल की मदद लेना शुरू करी, क्योंकि मुझे मैक एड्रेस पता लगाना है, और वो कौन पता लगा सकता है, आर्प प्रोटोकॉल की मदद से हमको पता लग सकता है। तो आर्प प्रोटोकॉल ने क्या किया, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखा यहाँ पे हमने, और यहाँ पर उसने अपना हेडर लगा दिया इसके साथ, और यहाँ पे बोल दिया सोर्स मैक एड्रेस इस मशीन का ये है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0, और ऑप कोड लिख दिया यहाँ पे 1। ऑप कोड का मतलब ये क्या है, आर्प रिक्वेस्ट है। अब ये जो चीज है, ये आर्प प्रोटोकॉल ने किसको प्रोवाइड करवाई, आरपा प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करवाई, कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पर, लेयर 2 पर, है ना। लेयर 2 पर ही वापस से ये रिक्वेस्ट, ये जो पूरी की पूरी जो चीज है हमारे पास, जो भी आर्प रिक्वेस्ट है, ये कहां जाएगी, मेरी आरपा प्रोटोकॉल के पास। अब इसको मैं आर्प रिक्वेस्ट लिख दूं ऊपर पे पूरा, ये मेरी पूरी क्या है, आर्प रिक्वेस्ट, ये क्या है, आर्प रिक्वेस्ट। तो ये आर्प रिक्वेस्ट मेरी कहां आई, आरपा प्रोटोकॉल पे आ गई, यानी लेयर 2 पे आ गई। अब आरपा वापस से अपना क्या करेगा, एक हेडर लगाएगा, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे एक हेडर लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हेडर लगाने के बाद वापस से सोर्स मैक एड्रेस आएगा, यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस कितना आएगा, 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना आएगा, अब देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस बार ना जो आरपा प्रोटोकॉल होगा वो क्या लगा देगा, ऑल एफ्स लगा देगा, क्या लगा देगा, ऑल एफ्स लगा देगा। और यहाँ पे आएगी टाइप फील्ड, जो मैंने गलती से पहले यहाँ लिख दी थी वो एक्चुअल में यहाँ आएगी। तो टाइप फील्ड आएगी यहाँ पे, और टाइप फील्ड में यहाँ पर मैं लिखूंगा 0x0806। ये टाइप फील्ड किसको डिनोट करती है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये मुझे किससे मिला है, ये जो आर्प रिक्वेस्ट है मुझे किससे मिली, आर्प प्रोटोकॉल से मिली है लेयर 2 पे। तो जब भी आर प्रोटोकॉल से कोई चीज मिल रही है मुझे, तो उसके लिए जो टाइप कोड लगता है वो लगता है 0x0806, ये टाइप कोड लगता है ना। तो इस पूरी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रेम बोलता हूँ, ठीक है। अब ये फ्रेम मेरी अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट है ना। देखो अभी ये प्रोसेस अभी भी होल्ड पे ही है, इसको अभी यहाँ तक छोड़ ही दिया था हमने, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैंने क्या किया था, इको रिक्वेस्ट जनरेट करी थी लेयर 3 के ऊपर, यहाँ पे हमने इको रिक्वेस्ट जनरेट करी, उसके बाद यहाँ पर हमने लेयर 3 पर वो आईपी प्रोटोकॉल को दे दी, आईपी प्रोटोकॉल ने अपना हेडर लगाया, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल ने वो चीज किसको दे दी,
पैकेट किसको प्रोवाइड कर दिया, लेयर टू पे आरपा को। आरपा के पास जब गया तो बाकी सारी चीजें ठीक थी, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पर नहीं पता था। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे नहीं पता था, तो आरपा प्रोटोकॉल ने किसकी मदद ली, आर्प प्रोटोकॉल की। तो लेयर टू पे एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ठीक है, जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैंने 00 लिखा और ऑपकोड लिखा 1। ऑपकोड 1 का मतलब आर्प रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूँ सारी, क्योंकि ताकि मुझे यहाँ पर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता लग पाए, मुझे यहाँ पर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता लग पाए, इसलिए सारी प्रोसेस मेरी अभी हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे सोर्स मैक तो मुझे पता था, डेस्टिनेशन मैक मैंने 00 लगा दिया, ऑपकोड 1 लगा दिया, और ये आर्प रिक्वेस्ट मैंने किसको दे दी, आरपा प्रोटोकॉल को दे दी। आरपा प्रोटोकॉल ने यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना लगाया, ऑल एफ्स लगाया, टाइप फील्ड लगा दी यहाँ पे 0x0806। 806 क्यों लगाई यहाँ पे, क्योंकि ये जो मुझे पूरा का पूरा आर्प रिक्वेस्ट मुझे जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, आर्प प्रोटोकॉल की मदद से मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब तो ये फ्रेम पूरी हो गई है फिलहाल। अब ये जब फ्रेम पूरी हो गई है तो ये किसको हम ट्रांसफर कर देंगे, लेयर वन पर लैन कार्ड को या इथरनेट कार्ड को, लैन कार्ड बोल दो या चाहे आप इसको इथरनेट कार्ड बोल दो, इसको दे देंगे। अब ये जो फ्रेम होगी, लैन कार्ड क्या करेगा इस फ्रेम को, या इथरनेट क्या कार्ड क्या करेगा इस फ्रेम को, किसमें कन्वर्ट कर देगा, बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, या बिट्स में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। और ये जो बिट्स हैं इसको हम कहां प्लेस कर देंगे, ये जो बिट्स हैं इसको, सॉरी, ये जो बिट्स होंगी हमारे पास इसको हम प्लेस कर देंगे वायर के ऊपर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये बिट्स को मैंने कहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ पे इस वायर के ऊपर प्लेस कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बिट्स मेरी यहाँ जा रही हैं, कहाँ से, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ जा रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर दूंगा, ठीक। तो अब यहाँ तक की प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जो प्रोसेस चलेगी हमारी, वो कंप्यूटर बी पे चलेगी। अब कंप्यूटर बी पे मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ इसको, जगह नहीं है क्योंकि। अब जो भी प्रोसेस चल रही है हमारी कहाँ चल रही है, कंप्यूटर बी पर। अब देखो कंप्यूटर बी पर क्या होगा, कंप्यूटर बी पर मेरे को क्या मिलेंगी, बिट्स मिलेंगी 0101 0011, फॉर एग्जाम्पल ये बिट्स मिल गई, ठीक है। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, और ये मेरे को कौन सी लेयर पे मिला है अभी, ये मेरे को मिला है लैन कार्ड पे, यानी लेयर वन पे। ये मैं किसकी बात बता रहा हूँ, अब मेरा जो डेटा है वो कहाँ पहुंच गया, कंप्यूटर बी पे पहुंच गया है। कंप्यूटर बी पे जब डेटा पहुंचा तो मेरा बिट्स के फॉर्म में पहुंचा, उसको मैंने फ्रेम में कन्वर्ट किया, और ये सारी चीजें मुझे कहाँ मिली हैं, लेयर वन पे मिली हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये किस, ये जो लेयर वन से यहाँ पर कंप्यूटर किसको दे देगा, ये आरपा प्रोटोकॉल को हैंड ओवर कर देगा फ्रेम। आरपा प्रोटोकॉल के पास जब भी फ्रेम आएगी, कौन सी फ्रेम की बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ से उठा के लेके आता हूँ, देखो, ठीक है। अब फ्रेम कौन सी थी मेरी, ये थी, है ना। तो ये मैं इतना जो पार्ट है मेरा, इतना जो पार्ट है ठीक है, ये जो फ्रेम है मेरी, ठीक है, ये फ्रेम मेरी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये फ्रेम आ गई। अब ये जो मेरे पास फ्रेम आई है, इस फ्रेम में से आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं तो ये क्या है, मेरा आरपा प्रोटोकॉल है। अब आरपा प्रोटोकॉल के पास क्या आई, ये फ्रेम आई, ठीक है। अब इसमें से क्या किया उसने, अपना हेडर हेडर उठा के देखा, हेडर में देखा सोर्स में क्या है, 0A है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ऑल एफ्स है, यानी मेरे लिए है, और टाइप फील्ड क्या आ रही है, 0x0806। तो देखो जैसे ही उसको पता लगेगा कि सोर्स मैक एड्रेस उठ के मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 0A आ रहा है ना, सोर्स मैक एड्रेस 0A आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना आ रहा है मेरे पास, ऑल एफ्स आ रहे हैं। ऑल एफ्स आने के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास टाइप फील्ड आ रही है 0x0806, यानी आरपा प्रोटोकॉल को पहले तो ये पता लग जाएगा कि टाइप फील्ड 0806 है, यानी किसको हैंड ओवर करना है, ये मुझे हैंड ओवर करना है आरपा प्रोटोकॉल को, किसको हैंड ओवर करना है, आरपा प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है। तो अब ये हेडर हट गया, अब ये आरप रिक्वेस्ट जो थी मेरे पास, ठीक है, ये जो मेरे पास आरप रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे जनरेट करी थी, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ ले आते हैं उठा के। तो ये आर्प रिक्वेस्ट मेरी कहाँ आ जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगी,
ठीक है। अब ये आर्प रिक्वेस्ट आई, अब देखो अब ये पता कैसे चलेगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर देखेगा ठीक है सोर्स आईपी एड्रेस कितना है मेरे पास 10.1 है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कितना है मेरे पास 10.2 है, यानी मेरे लिए बना है, सोर्स मैक एड्रेस कितना है 0A है ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना है 0.0 है, और ऑप कोड कितना है 1 है। तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 10.1.1.2 के बारे में इस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, यानी इस कंप्यूटर को ये पता लग जाएगा कि ऑप कोड 1 लिख के आया है, यानी ये कौन सी रिक्वेस्ट है, आर्प रिक्वेस्ट है। और जैसे ही इसको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो सोर्स है वो कितना है 10.1 है, 10.1.1.1 है, और मेरे पास जो सोर्स मैक एड्रेस लिख के आ रहा है 0A लिख के आ रहा है, वो क्या करेगा अपनी मैक टेबल को अपडेट कर लेगा, मैक टेबल बोल दो चाहे चाहे उसको आप आर्प टेबल बोल दो, यहाँ पे वो अपने आप को अपडेट कर लेगा कि आईपी क्या है 10.1.1.1 है, 1 का जो मैक एड्रेस है वो कितना है 0A ठीक है। ये कैसे पता लगा, ये आर्प रिक्वेस्ट के अंदर ही लिखा हुआ था है ना, तो आर्प रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो सोर्स आईपी 10.1 है, डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस जो है 0A है, ये इसको पता लग गया। और ये भी पता लग गया कंप्यूटर को कि ये क्या है, आर्प रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑपकोड कितना है 1 है, तो इसको समझ में आ गया क्या है, आर्प रिक्वेस्ट है, क्या है आर्प रिक्वेस्ट ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तो देखो अब आर्प रिक्वेस्ट तो कहां पहुंच गई मेरे पास, मेरे पास इस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर पे आर्प रिक्वेस्ट पहुंच गई। अब ये बी वाला जो कंप्यूटर है, ये रिप्लाई बैक भी तो करेगा, ये रिप्लाई भी करेगा ए को, आर्प रिप्लाई भी देगा ना, तो अब आर्प रिप्लाई कैसे देता है वो देखते हैं। अब देखो आर्प रिप्लाई देने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले आर्प रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे आर्प रिप्लाई आएगा ठीक है, आर्प का क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा एक टाइप का ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल सा सारी चीजें वही लिखेंगे हम यहाँ पे कि सोर्स आईपी कितना आएगा, यहाँ पे इस बार 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी कितना आएगा 10.1.1.1, सोर्स मैक ठीक है, अब सोर्स मैक कितना आएगा 0B, डेस्टिनेशन मैक कितना आएगा, अब देखो इस बार डेस्टिनेशन मैक मुझे पता है, इस बार डेस्टिनेशन मैक मुझे पता है कितना है 0A ठीक है, क्योंकि वो आर्प रिक्वेस्ट में मेरे पास आ गया है ऑटोमेटिकली, मुझे पता लग गया है ना। और यहाँ पे ऑपकोड फील्ड आएगी, तो ऑपकोड फील्ड में इस बार कितना लिखा आ जाएगा 2 ठीक है, तो ये क्या आ गया, सोर्स आईपी आ गया, ये डेस्टिनेशन आईपी आ गया ठीक है, ये आर्प रिप्लाई जा रहा है अब है ना, ये सोर्स मैक आ गया, ये डेस्टिनेशन मैक आ गया ठीक है, और ये आपकी ऑपकोड फील्ड आ गई ठीक है। ऑपकोड फील्ड 2 का मतलब क्या है, ये क्या है आर्प रिप्लाई, आर्प रिप्लाई ठीक है। अभी आप, और ये कौन सी लेयर पे हो रहा है, ये कौन सी लेयर पे हो रहा है, ये आर्प कौन सी लेयर पे काम करता है हमारा, लेयर 2 पे ठीक है। अब लेयर 2 किसको हैंड ओवर करेगी ये चीज, या आर्प प्रोटोकॉल किसको हैंड ओवर होगा, आरपा प्रोटोकॉल को ठीक है। आरपा प्रोटोकॉल भी हमारा कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे। अब आरपा प्रोटोकॉल पे जब ये होगा, तो आरपा प्रोटोकॉल पे मैं इसको आर्प रिप्लाई बोल दूं, मैं इसको बोल देता हूं, ऊपर से जो उठ के आएगा मेरे पास क्या आएगा, आर्प रिप्लाई ठीक है, आर्प रिप्लाई आया। अब आर्प रिप्लाई के साथ क्या होगा, आरपा अपना हेडर जोड़ेगी, तो यहाँ पर आरपा क्या होगा, अपना हेडर जोड़ेगी यहाँ पे ठीक है, ये अपना हेडर आएगा ठीक। अब आरपा जब अपना हेडर जोड़ेगी तो उसमें क्या देगी, सोर्स मैक एड्रेस आएगा, सोर्स मैक एड्रेस कितना है 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे पता है यहाँ पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना है 0A ठीक है, और उसके बाद टाइप फील्ड आएगी, तो मेरे को कौन सा प्रोटोकॉल दे रहा है, ये आर्प प्रोटोकॉल दे रहा है, तो टाइप फील्ड में 0x0806 लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है। अब ये जो चीज है आरपा प्रोटोकॉल, ये जो हमारे पास फ्रेम आई है, ये फ्रेम किसको हैंड ओवर कर देंगे, ये हैंड ओवर कर देंगे लैन कार्ड को ठीक है, लैन कार्ड कौन से, लेयर 1 पे ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ऊपर से उतर के फ्रेम आ गई, और ये फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे हम ठीक है, यानी 01101 ठीक है। तो अब देखो वापस से मैं डायग्राम पे ले जाता हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये सारी प्रोसेस मैंने किस पे करी थी, कंप्यूटर बी के ऊपर करी थी। अब मेरा जो आर्प रिक्वेस्ट है, अब मेरी जो आर्प रिक्वेस्ट है वो जा रही है कहाँ पर, कंप्यूटर ए की तरफ ठीक है, बिट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब कंप्यूटर ए पे आर्प रिक्वेस्ट मेरी पहुंची। अब कंप्यूटर ए पे जब आर्प रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास बिट्स थी ठीक है, कंप्यूटर ए की बात कर रहा हूँ अब मैं, ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होना उसमें। अब बिट्स पहुंची, बिट्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा, फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया मैंने ठीक है। ये काम किस पे हो रहा है अभी, मेरा लैन कार्ड के ऊपर, लैन कार्ड मतलब लेयर 1 के ऊपर
लेयर 1 से ये डेटा कहाँ जाएगा हमारे पास, या फ्रेम कहाँ जाएगी, लेयर 2 के पास। लेयर 2 पे किस पे, आरपा प्रोटोकॉल पे, ठीक है। आरपा प्रोटोकॉल पे जब जाएगी तो यहाँ पर वही की वही चीज़ लिखी होगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, सोर्स आईपी लिखा होगा कितना 10.2, डेस्टिनेशन आईपी लिखा होगा कितना, ठीक है। सोर्स आईपी नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारा पैकेट होगा एक तो, ठीक है, एक तो पैकेट होगा। और हेडर में क्या लिखा होगा, सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस कितना लिखा होगा 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना लिखा होगा 0A, है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो टाइप फील्ड होगी उसके अंदर क्या होगा, 0x0806 लिखा होगा, ठीक है। तो आरपा बोलेगा कि सोर्स मैक एड्रेस कितना आ रहा है, सोर्स मैक एड्रेस मेरा ये है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा वो कि 0A है, यानी मेरे लिए है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेम को। और किसको भेजना है मुझे, 0x0806 यानी आर्प प्रोटोकॉल को भेजना है। तो ये किसको चले जाएगा, आर्प प्रोटोकॉल को चले जाएगा लेयर 2 के पास ही। आर्प प्रोटोकॉल के पास जब जाएगा हमारे पास, आर्प रिक्वेस्ट है, ये पैकेट भी नहीं है, क्या है, आर्प रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास, आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट नहीं, आर्प रिप्लाई, सॉरी, आर्प रिप्लाई आ रहा है ना मुझे, ठीक है। तो आर्प रिप्लाई आ रहा है। अब ये जो आर्प रिप्लाई है ये कहाँ जाएगा, इस लेयर पे जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स आईपी लिखा होगा 10.1, 10.2, डेस्टिनेशन आईपी लिखा होगा मेरे पास 10.1, ठीक है। सोर्स मैक लिखा होगा मेरे पास 0B, और डेस्टिनेशन मैक लिखा होगा मेरे पास 0A, ठीक है। और ऑपकोड फील्ड लिखी होगी मेरे पास 2। तो अब यहाँ पर जो मेरा ये कंप्यूटर, किसके पास आई है ये चीज़ें, कहाँ हो रही है अभी, 10.1.1.1 पे। इस कंप्यूटर को अब ये पता लग जाएगा कि सोर्स आईपी जो लग के आया था मेरा 10.2 लग के आया था, और उसका जो मैक एड्रेस है वो कितना है, 0B है। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, अब ये जो कंप्यूटर है ये अपनी मैक टेबल या आर्प टेबल के अंदर एंट्री कर देगा 10.1.1.2, और उसका मैक एड्रेस कितना है, 0B है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाके मेरी आर्प रिप्लाई मुझे मिल गया, और यहाँ पे अब मुझे मैक एड्रेस भी पता लग गया। अब ये जो प्रोसेस होल्ड हुई हुई थी, ये प्रोसेस क्या होगी, रिज्यूम होगी, ठीक है। ये प्रोसेस जो होल्ड हुई थी क्या होगी, रिज्यूम होगी। तो अब देखो, अब लेयर 2 पे, अब यहाँ मैं रिज्यूम कर देता हूँ इस प्रोसेस को। लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल पे था मैं, आरपा प्रोटोकॉल पे मेरे पास यहाँ पे क्या बना हुआ था, ठीक है, आरपा प्रोटोकॉल था यहाँ पे। आरपा प्रोटोकॉल पे मेरे पास पैकेट था, ठीक है, ये मेरे पास पैकेट था, और इस पे मेरे पास सोर्स मैक एड्रेस कितना लगा हुआ था, 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कितना है, 0B, है ना। और टाइप फील्ड क्या लग के आई थी ऊपर से, टाइप फील्ड लग के आई थी मेरे पास, ये देखो, यही वाला है ना, देखो जहाँ होल्ड हुई थी प्रोसेस, ये रहा पैकेट था, सोर्स मैक एड्रेस 0A लग के आया था, डेस्टिनेशन मैक मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता है। आर्प टेबल चेक करेगा कंप्यूटर और देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब मेरा क्या है, 10.1.1.2 का 0B है, ठीक है। तो वो 0B लगा देगा, अब यहाँ पर 0B लगा देगा। टाइप फील्ड किससे मिल रहा था मुझे, ये आईपी से मिल रहा था, 0x0800। तो यहाँ पे आ जाएगी टाइप फील्ड 0x0800, ये टाइप फील्ड आ जाएगी। अब ये पूरी फ्रेम कंप्लीट हो गई। अब ये फ्रेम किसके पास जाएगी, अब ये फ्रेम जाएगी लैंड कार्ड के पास लेयर 1 पे, ठीक है। ये फ्रेम गई, और ये जो फ्रेम है इस फ्रेम को फिर बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, करके हम किस में रख देंगे, हमारी केबल के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब वापस से, अब देखो, अब ये जो रिक्वेस्ट है फाइनली कहाँ पहुंचेगी, अब मैं बात कर रहा हूँ फिर से 10.1.1.2 वाले कंप्यूटर की। ये बिट्स आई मेरे पास, अब ये कहाँ पहुंची मेरे पास, ये मेरे पास पहुंची, ये फ्रेम बनाया इसको मैंने, फ्रेम में कन्वर्ट किया, ठीक है। कौन सी लेयर पे हूँ मैं अभी, लेयर 1 पे, लैन कार्ड पे हूँ लेयर 1 पे, ठीक है। अब लेयर 1 से ये हैंड ओवर किसको होंगी, आरपा प्रोटोकॉल को होंगी, आरपा प्रोटोकॉल को हैंड ओवर होंगी। तो आरपा प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा, आरपा प्रोटोकॉल के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। आरपा प्रोटोकॉल के अंदर एक तो पैकेट होगा, ठीक है, तो मैं पैकेट लिख देता हूँ,
ठीक है, ये तो इनकैप्सुलेटेड ही है, और हेडर होगा आरपा का, उसके अंदर सोर्स मैक एड्रेस कितना लिखा होगा 0A, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना लिखा होगा 0B, टाइप फील्ड कितनी लिखी होगी 0x0800, ठीक है, यही थी, ये देखो यही यही का ये पैकेट मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आरपा प्रोटोकॉल देखेगा कि सोर्स मैक एड्रेस कितना आ रहा है 0A, डेस्टिनेशन यानी 0B, यानी मेरे लिए ये जो फ्रेम है मेरे लिए बनी है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। टाइप फील्ड यानी अब इसको मेरे को कौन सी लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल को देना है, ये 0x0800, यानी मेरे को लेयर 3 पर IP प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है, ठीक है। तो अब किस पे चले जाएगा ये लेयर 2 थी, अब यहाँ से कहाँ चले जाएगा मेरा जो ये फ्रेम है, ये चली जाएगी लेयर 3 पे। तो ये पैकेट जो है, इस पैकेट को अब लेयर 3 पे लेके जाएंगे। अब इस लेयर 3 पे जब ये पैकेट आएगा तो इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, 10.1 मेरा सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है 10.2, ठीक है, 10.2 मेरा डेस्टिनेशन आईपी है। देखो ये वाला पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, अब मेरा जो पैकेट आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला पैकेट आ जाएगा मेरा, इसकी इसकी बात हो रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, तो सॉरी इसको नीचे ले जाता हूँ, हाँ ये रहा। तो यहां पे मेरे पास क्या होगी, इको रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, ये इको रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 10.1 मेरा सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है 10.2, ठीक है, और इसके बाद मेरे पास प्रोटोकॉल नंबर होगा। तो प्रोटोकॉल नंबर कौन सा, प्रोटोकॉल नंबर कितना है, 1 है, यानी प्रोटोकॉल नंबर 1 है, यानी ICMP प्रोटोकॉल से मुझे मिला था ये, ठीक है। और TTL वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, TTL वैल्यू 128। तो अब IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, देखेगा 10.1 है, 10.2 पे रिसीव होना चाहिए, हाँ मेरे लिए ही बना है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जो इको रिक्वेस्ट है, इस इको रिक्वेस्ट को कहाँ भेज देगा, इस इको रिक्वेस्ट को भेज देगा वो कौन से प्रोटोकॉल के पास, ICMP प्रोटोकॉल के पास। कैसे पता लगा उसको, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर कितना है, 1 है। अब ये ICMP प्रोटोकॉल भी किस पे काम करता है, लेयर 3 पे काम करता है, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ICMP प्रोटोकॉल के पास जब ये गया, ठीक है, तो ICMP प्रोटोकॉल ने क्या देखा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, इको रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। ये देखो अब इको रिक्वेस्ट यानी हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये इको रिक्वेस्ट हमने जनरेट करी थी, ये इको रिक्वेस्ट आ गई है, और उसमें हमारे पास ये जो ऑपकोड लिख के आ रहा है वो 0 लिख के आ रहा है ना। यहाँ पे जो इको रिक्वेस्ट थी हमारे पास, यहाँ पे टाइप फील्ड, सॉरी जो है जो टाइप फील्ड है वो 0 लिख के आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास इको रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो और ये क्या है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इको रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास ऊपर। तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, 10.1 आ जाएगा, मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है, 10.2 मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास इको रिक्वेस्ट आ जाएगी कि भाई इको रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पे टाइप फील्ड जो आएगी वो बन के आ जाएगी, टाइप फील्ड मेरे पास कितनी है, यहाँ पे टाइप फील्ड है 0, सॉरी टाइप फील्ड जो आएगी मेरे पास वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0, 0 लिखी हुई आएगी। यानी क्या है, 0 का मतलब क्या है, इको रिक्वेस्ट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट मैसेज है, क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज है, ये क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे, ये जो है ये मेरे पास क्या है, इको रिक्वेस्ट मैसेज है, इसको आप ऐसे लिख दो, इको रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये चीज किसके पास पहुंच गई, ये चीज पहुंच गई मेरे पास 10.1.1.2, इस वाले कंप्यूटर के पास पहुंच गई। अब ये रिप्लाई भी तो करेगा, देखो अब ये जो कंप्यूटर है, जो बी कंप्यूटर है, अब ये किसका रिप्लाई करेगा, अब इको रिप्लाई करेगा, यानी पिंग रिप्लाई देगा, पिंग रिक्वेस्ट थी, अब क्या होगी, पिंग पिंग का रिप्लाई भी तो मिलेगा मुझे। तो जब पिंग का रिप्लाई देखेंगे, अब देखो लास्ट स्टेप आ गई है इसमें, पिंग का रिप्लाई जब देखेंगे, 10.1.1.2 से बता रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ से अब क्या होगा, अब वो क्या करेगा, इको रिप्लाई भेजेगा, इको रिप्लाई भेजा, ठीक है, इको रिप्लाई भेजा, तो यहाँ पे टाइप फील्ड कितनी लग के आएगी, यहाँ पे जो टाइप फील्ड आएगी वो
कितनी लग के आ जाएगी, 1 लग के आ जाएगी, यानी ये क्या है, इको रिप्लाई, को रिप्लाई, ठीक है। अब ये किस पे, कौन सी लेयर पे है अभी ये, हम ये हैं हम आईसीएमपी, ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं लेयर 3 पर, ठीक है। ये किसको हैंडओवर करेगा, आईसीएमपी आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा, कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पर। तो आईसीएमपी के पास जब ये इको रिप्लाई आएगा, इसको पूरा मैं इको रिप्लाई लिख दूं ऊपर को, है ना, ये ऊपर वाला जो हमारे पास पूरी चीज़ है कि आईको रिप्लाई है, और आईपी क्या करेगा, अपना हेडर लगाएगा, और आईपी अपने हेडर में बोलेगा कि सोर्स आईपी कितना है, 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी कितना है, 10.1.1.1, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास प्रोटोकॉल नंबर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, क्यों 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को किसने दिया, आईसीएमपी ने दिया है, प्रोटोकॉल नंबर कितना आ जाएगा 1, और टीटीएल वैल्यू लगा देगा वो कितनी, 128। अब ये पूरा का पूरा जो पैकेट है ये किसको दिया जाएगा, आरपा प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करवा देंगे हम, किस पे, लेयर 2 पे, ठीक है। अब लेयर 2 पे क्या होगा, ये जो पूरा, अब ऊपर वाले को मैं क्या लिख देता हूँ, पैकेट लिख देता हूँ, ये क्या है, पैकेट है, ठीक है। और साथ में क्या लगाएंगे हम, हेडर लगा देंगे, आरपा अपना हेडर भी तो लगाएगा, तो सोर्स मैक एड्रेस कितना लिखेगा, 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना लिखेगा, 0A, ठीक है। और यहाँ पर क्या टाइप फील्ड लिखेगा, ठीक है, टाइप फील्ड कितनी आएगी, 0x0800, क्योंकि मुझे आईपी से मिल रहा है ना। और अब ये जो पूरी की पूरी फ्रेम है ये किसको हैंड ओवर हो जाएगी, ये हैंड ओवर हो जाएगी लैन कार्ड को, किसको हैंड ओवर हो जाएगी, लैन कार्ड को, लेयर 1 पे, लेयर 1 पे, लेयर 1 पे हैंड ओवर हुई। तो ये जो पूरी की पूरी जो फ्रेम है, इस फ्रेम को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इस फ्रेम को कन्वर्ट हो जाएगी ये 0101 बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये बिट्स मैं किसमें प्लेस कर दूंगा, वायर पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यानी मैं कहां तक पहुंच गया, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने 0B से इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई जनरेट किया और मैंने वायर पे प्लेस कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये रिप्लाई जो है, ये रिप्लाई कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर, 10.1.1.1 के ऊपर, ठीक है। तब जब इस पे रिप्लाई आएगा, इस पे रिप्लाई आएगा तब कैसा होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई फाइनली आ गया है 10.1.1.1 पे, ठीक है। तो ये मेरे पास बिट्स आई, लेट से ये बिट्स मेरे को मिली, और इस बिट्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रेम में कन्वर्ट करा तो मैं कौन सी लेयर पे हूँ, अभी लेयर 1 पे हूँ, लैन कार्ड ये काम कर रहा है फ्रेम में कन्वर्ट करने का। लेयर 1 से ये डेटा कहाँ जाएगा, लेयर 2 पे, कौन से प्रोटोकॉल को दिया जाएगा, ये आरपा को, ठीक है। अब आरपा को जब दिया जाएगा तो आरपा इस फ्रेम को ओपन करेगा, तो इस फ्रेम के अंदर क्या होगा, एक तो पैकेट होगा, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड, और साथ में एक हेडर होगा, वो हेडर पढ़ेगा आरपा, हेडर के अंदर लिखा होगा कि सोर्स मैक एड्रेस कितना है, 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितना है, 0A, यानी मेरे लिए बना है, और टाइप फील्ड लिखी होगी 0x0800, ठीक है। अब आरपा क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैकेट को किसको हैंड ओवर कर देगा, वो आईपी प्रोटोकॉल को, किस पे, लेयर 3 पर, ठीक है। तो ये लेयर 3 पे चले जाएगा, तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, पैकेट ओपन करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो इको रिक्वेस्ट होगी, इको रिप्लाई होगा, ठीक है। रिप्लाई के साथ साथ यहाँ पर सोर्स आईपी लिखा होगा कितना, 10.1.1.2, और डेस्टिनेशन आईपी लिखा होगा 10.1.1.1, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटोकॉल नंबर पे क्या लिखा होगा, प्रोटोकॉल नंबर पे लिखा होगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे टीटीएल वैल्यू होगी 128, फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी मैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉल नंबर से आईपी प्रोटोकॉल के पता लग जाएगा मुझे इसको किसको हैंड ओवर करना है, मुझे हैंड ओवर करना है आईसीएमपी को, तो आईसीएमपी के पास जाएगा कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पर। तो ये इको रिप्लाई कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इको रिप्लाई, और इको रिप्लाई पे लिखा होगा कि यहाँ पर जो मुझे इको रिप्लाई मिला है वो किससे, इको रिप्लाई, और यहाँ पर ऑपकोड जो आएगा, ऑपकोड लिखा आ जाएगा 1, यानी ये क्या है, मेरा इको रिप्लाई है। तो इस कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ से रिप्लाई मिल गया है, ठीक है, यानी 10.1 के पास रिप्लाई पहुंच गया है फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से 10.1 के पास इको रिप्लाई पहुंच जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी चेक हो जाएगी कि कनेक्टेड डिवाइसेस हैं या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पूरा काम होता है। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जो भी मैंने इतना सारा पढ़ाया है आपको, एक शॉर्ट में हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं है, मैं इसी डायग्राम से आपको समझा दूंगा,
ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं है, कंप्यूटर नंबर ए है और कंप्यूटर नंबर बी है, ठीक है। कंप्यूटर नंबर ए को ये पता लगाना है कि कंप्यूटर नंबर बी मुझसे कनेक्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहले कंप्यूटर नंबर ए ने क्या किया, एक पिंग रिक्वेस्ट जनरेट करी। मैंने लिखा पिंग डॉट पिंग स्पेस 10.1.1.2। जैसे ही ये पिंग रिक्वेस्ट हुई तो सबसे पहले जो लेयर 3 पर आईसीएमपी प्रोटोकॉल के ऊपर एक आईसीएमपी एक रिक्वेस्ट इको रिक्वेस्ट जनरेट हुई, जिसमें हमने पिंग रिक्वेस्ट इसको नाम दे दिया पिंग रिक्वेस्ट, है ना, जिसमें हमने टाइप फील्ड रखी यहाँ पे 0, ठीक है। पिंग रिक्वेस्ट जनरेट हुई, फिर वो रिक्वेस्ट हैंड ओवर की गई किसको, आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल ने क्या किया, इको रिक्वेस्ट जो पैकेट था वो रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो जो पैकेट था वो किसको हैंड ओवर किया, वो पैकेट हैंड ओवर किया आरपा प्रोटोकॉल को। अब आरपा प्रोटोकॉल के पास जब वो पैकेट गया तो उसने जब अपना हेडर लगाना शुरू किया तो उसने सोर्स मैक एड्रेस तो लिखा लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसको नहीं पता था, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो मेरी प्रोसेस थी वो होल्ड हो गई थी। होल्ड होने का रीजन क्या था, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता है, क्योंकि देखो मैंने पिंग किया पिंग 10.1.1.2, अब उसके आगे मुझे ये नहीं पता है कि उसका मैक एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होल्ड हो गई। तो आरपा प्रोटोकॉल ने क्या किया, आर प्रोटोकॉल की मदद ली कि मुझे मैक एड्रेस पता करके बताओ 10.1.1.2 का क्या है। तो आर्प ने क्या किया, आर्प रिक्वेस्ट एक जनरेट करी, और आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद उसने किसको प्रोवाइड करवाई, वो आरपा प्रोटोकॉल को, और आरपा प्रोटोकॉल ने वो आगे भेजी किसको, लैंड कार्ड को। वो रिक्वेस्ट चली गई हमारी कहां पर, 10.1.1.2 के ऊपर। अब 10.1.1.2 से जो बिट्स थी, बिट्स को हमने वापस से फ्रेम में कन्वर्ट किया। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमने वो जो फ्रेम थी वो हमने किसको भेज दी, पहले सबसे पहले आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा प्रोटोकॉल ने देखा उसके अंदर कि भाई मेरा जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा वो कितना लिखा हुआ है, ऑल एफ्स लिखा हुआ, यानी मेरे लिए है ना, ऑल एफ्स मतलब होता है ब्रॉडकास्ट कर दिया था, यानी मेरे लिए है। सोर्स मैक एड्रेस लिखा हुआ आ रहा था कितना, 0A, ठीक है। अब उसने ये जो रिक्वेस्ट थी ये किसको हैंड ओवर करी, ये आर्प प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करी। ये कैसे पता लगा, टाइप फील्ड की मदद से, है ना, 0x08 06 हमने लिखा हुआ था, तो उससे हमें ये पता लग गया कि ये आर्प के लिए बनी है। तो 10.1.1.2 पे आरपा प्रोटोकॉल ने हैंड ओवर किसको कर दिया, ये आर्प प्रोटोकॉल को। आर्प प्रोटोकॉल ने जब खोल के देखा तो उसने देखा कि ये तो क्या है, ये तो इको रिक्वेस्ट है, यानी मुझे कोई ना कोई पिंग करने की कोशिश कर रहा है। और उसी टाइम पे कंप्यूटर बी ने क्या किया, अपने आर्प टेबल को अपडेट कर लिया, क्योंकि उसको सोर्स आईपी और सोर्स मैक तो पता था। तो उसने क्या किया, 10.1.1.1 का जो मैक एड्रेस है वो अपने टेबल पे स्टोर करके रख लिया, दैट इज 0A। अब उसने सबसे पहले आर्प का रिप्लाई दिया, उसने आर्प का रिप्लाई देना शुरू किया। तो आर्प रिप्लाई देने के लिए सबसे पहले उसने आर्प रिप्लाई जनरेट किया, वो जो आर्प रिप्लाई था वो किस पे गया हमारा, वो आरपा प्रोटोकॉल पे गया। आरपा प्रोटोकॉल पे हमको इस समय डेस्टिनेशन एड्रेस पता है, क्योंकि 0A का 0A डेस्टिनेशन एड्रेस ही हमें पता लग चुका था। उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारी गई फाइनली कहाँ पर, लेयर 1 पर, और लेयर 1 से फिर हमारी बिट्स ट्रांसफर होके वापस से कौन से कंप्यूटर पे आई, 10.1.1.1 पे। तो अब ये जो चीज़ आई थी, ये सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या आई है, आर्प रिप्लाई आया है। और इस तरीके से मेरे पास आर्प रिप्लाई मुझे मिला कहाँ पर, कंप्यूटर ए के ऊपर। एंड फाइनली जब आर्प रिप्लाई मुझे मिला, इसका मतलब मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता लग गया। तो ये जो प्रोसेस मैंने होल्ड करके रखी थी यहाँ पर, अब मैं इस पूरी फ्रेम को कंप्लीट कर सकता था। इसके बाद सिंपल सी प्रोसेस हमने क्या करी, यही मैं आईपी से आरपा पे आया था, आरपा से फिर मैंने वापस से लैंड कार्ड पे डेटा को डाला, फ्रेम 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 को कन्वर्ट किया मैंने बिट्स पे, और फिर मैंने भेज दिया कंप्यूटर बी के ऊपर। और इस तरीके से मेरा जो होगा फाइनली कम्युनिकेशन हो पाया रिक्वेस्ट और रिप्लाई का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा का पूरा पिंग प्रोटोकॉल है हमारा काम करता है, ठीक है। बीच में बस एक ये चीज आई थी आपको समझाने के लिए, मैंने ये चीज लिखी है कि वहां पे प्रोसेस होल्ड होगी क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है, और वहां पर डेस्टिनेशन मैक क्योंकि नहीं पता इसलिए मैंने कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया, आर्प प्रोटोकॉल का। तो इस लेक्चर में आपने दो प्रोटोकॉल्स के बारे में मेनली जाना, एक तो आर्प प्रोटोकॉल के बारे में और एक आईसीएमपी के बारे में, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, जिससे हम जिसको हम क्यों यूज करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, और इसका यूज कौन करता है, पिंग यूटिलिटी यूज करती है, ठीक है। और हमने बात करी आर्प प्रोटोकॉल की, क्योंकि हमको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता था इसलिए हमने कौन सी प्रोटोकॉल की मदद ली, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद ली। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।